कि लगभग 300 बेड नए और ऑक्सीजन के बनाने की हमने योजना बनाई है और इसके बहुत जल्दी रिजल्ट क्रमशः आते चले जाएंगे। जैसे नामली हमारा इकलौता कोई ऑक्सीजन लाइन डली है, कल या परसों में हमारे वहाँ पे भी ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल प्रारंभ होंगे। तो कई इसी आधार पर लगभग मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय दोनों जगह भी हमने कुछ लगभग प्लान तो बड़ा किया है, लेकिन क्रमशः 50-50 बेड तुरंत चालू करते हुए इस दिशा में आगे तक आवश्यकता के अनुसार अगर हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है और वहाँ कोई व्यक्ति आता है तो उसको बेड मिलना चाहिए, इस पर काम करने जाएं। इसके अलावा जो हमारे अपने टीकाकरण अभियान है, टीकाकरण अभियान में बड़े पैमाने पर जैसे टीकाकरण से ही हमारा गुना आज की स्थिति में 5% से कम होकर के 2% आया, तो हम टीकाकरण पर भी आगे जाने वाले हैं। ऐसे हमारे भिंड, मुरैना, बुरहानपुर ऐसे कई जगह है। और उसी प्रकार से जो बेड बढ़ा करके जो हमारा ये बात भी सही कि रतलाम अकेले के नहीं है, आसपास के जिलों का लोड भी यहीं आता है, नीमच का, मंदसौर का, झाबुआ का, कई आसपास के जिलों का भी लोड आता है। और फिर जंक्शन होने कारण से बड़े पैमाने पर भी लोग बाहर से आते हैं, तो उसके लिए जो जैसा भी होता लेकिन अगर बीमार है तो उसका इलाज करने का काम हमारा सबका है, उसके ध्यान रखने के लिए ये प्रबंधन कर रहे हैं। तो टीकाकरण भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। तीसरा होम आइसोलेशन, इस पर भी जोर देने वाली बात है, पहले आइडेंटिफाई करते जाएँ, छाँटते जाएँ बीमार कौन कौन है, कैसे हैं। आमतौर पर ये बीमारी के एक घर में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, एक वो लोग जो आज बीमार हैं जिनको दवाई चाहिए इस कष्ट में है, दूसरे वो लोग हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी कोरोना का असर हुआ था और उनके अंदर एंटीबॉडी बनी, तीसरे वो लोग हैं जो कांच के खिलौने, ना पहले बीमार हुए ना आज हुए। तो अब की बार हम ऐसा अभियान चलाने वाले हैं कि उनको सबसे पहले टीका लगवाएं, क्योंकि ये मान के चले कि वो बीमार पहले नहीं और आज नहीं हुए तो वो नहीं होंगे, ऐसी गलत फहमी नहीं है। निश्चित रूप से इससे सबको अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। तो जो अपने जनप्रतिनिधि है, जिला स्तर के है, ब्लॉक स्तर के, इन सबको जोड़ते हुए जो हमने कमेटियाँ भी बनाने जा रहे हैं जिनके माध्यम से इसका लाभ दिलवाएंगे। कुछ निर्णय किया, जैसे यह लॉकडाउन का निर्णय किया है कि आगामी 25 तारीख तक रतलाम का लॉकडाउन हमने बढ़ाया है, लेकिन हाथ ठेले से फल सब्जी वगैरह बेचने में, दूध की दुकान खोलने में, इस टाइप से व्यवस्था भी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही कि ये मरीज संक्रमित होने से ही बढ़ते हैं, ये बीमारी का दुनिया भर में सीधे कॉन्टेक्ट से ही इसको जहाँ भी मिलती बढ़ावा मिलता है। ऐसे में चूँकि रतलाम ये सबसे ज़्यादा एक तरह से ज्वलनशील स्थिति में, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसमें से इसी तरह से रास्ता निकालते जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो जिले 5% से कम में आएंगे पॉजिटिविटी की दर के हिसाब से, वो क्रमशः उसको भी वैज्ञानिक तरीके से खोलने की परमिशन देंगे। अभी हमारे लिए अभी इससे हम बहुत आगे हैं, इसलिए हमको लॉकडाउन तो हमको रखना पड़ेगा,